एक ऐसी लड़की जो 16 साल की उम्र में ही एक देश की प्रधानमंत्री बन गई, और एक ऐसा देश जहां 2 दिन के बच्चे की उम्र भी 2 साल की हो सकती है, और एक ऐसी जनजाति जहां के लोग पक्षियों से बातें करते हैं, एक ऐसी महिला जिसने अपने कार के ऊपर गाय के गोबर की लेप चढ़ा रखी है, और एक ऐसा टॉयलेट जो आपकी बीमारियों को बता सकता है। किस देश में बनाया गया है ये टॉयलेट? भारत का एक ऐसा गाँव जो सरकार से बिजली खरीदने के बजाय बिजली बेचता है। कौन सा है ये अद्भुत गाँव? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, कारगिल युद्ध में देश के जवानों ने जिस साहस का परिचय दिया था उसे ये देश कभी भूल ही नहीं सकता। कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन से लड़ते हुए देश के 2 जवान दीपचंद और उदय सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। देश ये युद्ध जीत गया, लेकिन दीपचंद और उदय सिंह को अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। दीपचंद ने तो दोनों पैरों के साथ ही अपना दाहिना हाथ भी खो दिया, लेकिन आज भी इन दोनों को अपनी हालत पर कोई मलाल नहीं, बल्कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए अपने पैर गंवाए हैं। दीपचंद और उदय सिंह को हम दिल से सलाम करते हैं। नंबर 8, दोस्तों फिल्म नायक में हम सब ने अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनते देखा। फिल्म में मुख्यमंत्री की तरह ही फिनलैंड में एक लड़की को सच में एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले इस लड़के का नाम आवा मुर्तो है। 16 साल की आवा मुर्तो इतनी कम उम्र में ही ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में बड़े बड़े काम कर चुकी हैं। आवा के कामों से प्रभावित होकर और उनके हौसलों को बढ़ावा देने के लिए ही इन्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया गया। वैसे दोस्तों, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? नंबर 7, दुनिया में कहीं भी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसकी उम्र उसके जन्म वाली तारीख के दिन से गिनी जाती है, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं होता। साउथ कोरिया में जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि बच्चे 9 महीने माँ के गर्भ में बिताते हैं, इसी वजह से ये 9 महीने भी उनकी उम्र में गिन लिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं कि बच्चा तो पैदा 9 महीने में होता है, फिर उसे 1 साल का कैसे माना जाता है? तो साउथ कोरिया के इस ट्रेडिशनल सिस्टम के मुताबिक बच्चे की उम्र 1 साल से ही शुरू होती है। वहाँ महीने की गिनती नहीं होती। जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक जितने भी बच्चे का जन्म होता है वो सभी 1 साल के माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो बच्चे 31 दिसंबर को जन्म लेता है उसकी उम्र 1 साल और अगले दिन 1 जनवरी को ही उसकी उम्र 2 साल हो जाती है। नंबर 6, दोस्तों दुनिया भर के ज्यादातर लोग सरकार से बिजली खरीदते हैं और उसके बदले हर महीने बिल भरते हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक ऐसा गांव है जहां ये मामला उल्टा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के ओडुनथुराई गांव के लोग सरकार से बिजली खरीदते नहीं, बल्कि खुद सरकार को अपनी बिजली बेचते हैं। इस गांव के पंचायत ने 2005 में लोन लेकर गांव में विंड मिल स्थापित किया। ये विंड मिल 350 किलोवाट की क्षमता से बिजली का उत्पादन करती है। गांव के लोग अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करते हैं और बाकी बची बिजली तमिलनाडु की सरकार को बेच देते हैं। बिजली बेचकर इस पंचायत को हर साल लगभग 20 लाख रुपए की कमाई होती है। पहले तो इन पैसों से विंड मिल स्थापित करने के लिए लिए गए लोन को चुकाया गया और अब इन पैसों का उपयोग पंचायत के विकास कार्य में किया जाएगा। नंबर 5, तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के रहने वाले रेडिया नायक नाम के इस सब्जी वाले ने अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर 2 लाख रुपए जमा किए थे। उन्होंने इन पैसों को एक बैग में रखकर अलमारी में रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब इन्हें इन पैसों की जरूरत पड़ी तब उन्होंने अलमारी खोली और फिर बैग की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। बैग में रखे सारे पैसे को चूहे ने कुतर दिया। रेडी नायक इन पैसों को लेकर कई बैंक में गए, लेकिन सभी बैंकों ने इसे बदलने से इनकार कर दिया। बैंक वालों ने इन्हें RBI ऑफिस से जाने का मशवरा दिया। नंबर 4, इसी साल अप्रैल महीने में पाकिस्तान का 8 साल का एक बच्चा बारमर बॉर्डर पार करके राजस्थान में दाखिल हो गया। करीम नाम के इस बच्चे को भारतीय सीमा में आता देख BSF ने इसे रोका और फिर बच्चे से पूछताछ करने के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी। ये बच्चा पाकिस्तान के नागर पार्कर का रहने वाला था। BSF के अधिकारियों ने बच्चे को खाना खिलाया और उसे चॉकलेट दिए। BSF ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए इस बच्चे को वापस पाकिस्तान के हवाले कर दिया। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने किसी इंसान को पक्षियों से बात करते हुए देखा है? अफ्रीका के याओ जनजाति के लोग ऐसा करते हैं। ये लोग
हनी गाइड नाम की प्रजाति के पक्षियों से बातें करते हैं। इससे जनजाति के लोग इन पक्षियों के सामने कुछ स्पेशल आवाज निकालते हैं और फिर इस आवाज को सुनकर हनी गाइड पक्षी मधुमक्खी के छत्ते की तलाश में वहां से चली जाती है। जैसे ही ये पक्षी मधुमक्खी के छत्ते की तलाश में निकलती है, ये लोग उसके पीछे जाते हैं और फिर ये पक्षी उन्हें मधुमक्खी के छत्ते तलाश करके देती है। बदले में पक्षियों को मधुमक्खी के छत्ते का मोम खाने को मिलता है। मतलब इंसान और पक्षी दोनों अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं। नंबर टू, गुजरात की रहने वाली सेजल शाह नाम की इस महिला ने अपने कार के ऊपर गाय के गोबर की लेप चढ़ा रखी है। कार के शीशे को छोड़कर ये पूरा कार गाय के गोबर से ढका हुआ है। सेजल शाह का मानना है कि गाय के गोबर का लेप उन्हें चिलचिलाती गर्मी में भी ठंडक देता है। उनका कहना है कि ये लेप चढ़ाने के बाद उन्हें कार में एसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में इफेक्टिव होगा ये? नंबर वन, जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टॉयलेट विकसित किया है जिसके द्वारा कोई भी शख्स टॉयलेट करते वक्त खुद के हेल्थ की जांच कर सकता है। इंटेलिजेंस टॉयलेट नाम का ये टॉयलेट खुद ही आपके यूरिन की जांच कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बता सकता है, वजन कर सकता है और साथ ही ये बॉडी टेम्परेचर भी बचा सकता है। यानी कि जब आप खुद को बीमार महसूस करें तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय इस टॉयलेट में जा सकते हैं। बाजार में इस टॉयलेट की कीमत $41 से $5800 के बीच होने वाली है। और हाँ, ठंडे के दिनों में ये टॉयलेट सीट को गर्म भी कर सकता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।